नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम पंचायत की बात आपके साथ। इस कार्यक्रम के तहत हम जगह जगह पहुंच रहे हैं और 5 साल में जो वर्तमान अभी मुखिया हैं उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या किया, जनता तक कहां योजना का लाभ पहुंचाया, सारी बातों से हम रूबरू करवाते हैं आपको। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से ताज़ा तरीन समाचार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से मिलता है हमको बल, हम आपको नए नए ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू करवाते हैं। हम पहुँचे हैं पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम में बाबूबरी प्रखंड के भूपट्टी पंचायत के मुखिया हैं लक्ष्मी पासवान जी। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो लक्ष्मी पासवान जी के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं कि इससे पहले जब मुखिया चुनाव वो लड़े उससे पहले वो शिक्षक थे और उनको सर सर के रूप में लोग बुलाते हैं, लक्ष्मी सर। तो हम बात करते हैं, हमारे सामने भूपट्टी पंचायत के मुखिया लक्ष्मी पासवान जी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो आए हैं मुखिया जी आपसे मिलने, तो यहाँ लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि लक्ष्मी मुखिया जी को खोज रहे हैं, ये सर को खोज रहे हैं, लक्ष्मी सर को खोज रहे हैं, वो बता रहे थे। इस पर पहले बताइए आप। जी मुझे लोग मुखिया जी से अधिक लक्ष्मी सर के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं और ख़ास करके जो युवा वर्ग हैं उसमें भी, और युवा वर्ग के अलावा जो युवा वर्ग के गार्जियन लोग भी हैं वो आज तक मुझे मुखिया जी कम और लक्ष्मी सर ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि मैं 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर एक छोटा सा ही कहिए कि कोचिंग के रूप में सेवा किया हूँ। कोचिंग भले ही छोटा सा था लेकिन बृहद कार्यक्रम रहा है 20 वर्षों का, और मैं लगातार 20 साल कोचिंग का सेवा किया हूँ। शायद इसी वजह से आपको लोग लक्ष्मी मुखिया जी के जगह पर लक्ष्मी सर के ही नाम से संबोधन ज़्यादा मिला है। ये आप हमको ये बताइए कि अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी जो प्रत्याशी भी हैं जो चुनाव मैदान में अब आ चुके हैं और अपने अपने जगह जा रहे हैं मतदाताओं से मिलने, अपनी बात रखने, तो आप कहाँ तक तैयार हैं चुनाव के लिए? जी एकदम सही बात है, हम लोग को कार्यकाल का पूरे 5 साल हो चुका है और एक बार पहले भी चुनाव का बिगुल बज चुका था लेकिन कोरोना महामारी के चक्कर में कुछ समय आगे बढ़ा और फिर से हम लोग को एक बार तो सरकार भंग कर दिया गया और दोबारा हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना परामर्श समिति के रूप में हम लोग कार्यरत हैं और चुनाव का बिगुल बज चुका है, अधिसूचना भी जारी हो चुका है। मैं समस्त ग्राम पंचायत वासियों को, समस्त मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने जो मुझे 5 वर्ष दिया मैं उसका कितना हद तक सही उपयोग कर पाया वह आपके सामने है। कोई भी बात, कोई भी योजना, कोई भी कार्य आपसे छुपा हुआ नहीं है, मैं यही कहूँगा। और मैं भी पहले की तरह ही पूरे आशा और उम्मीद के साथ हम भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं और हम भी अपने मतदाता मालिक के पास बहुत ही विश्वास और उम्मीद के साथ पहुँच रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ और पहुँचता भी हूँ। मुखिया जी हम जहाँ जाते हैं पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम को लेके, तो हम कोशिश करते हैं मुखिया जी से एक सवाल ज़रूर पूछें कि अगर आपको आशीर्वाद दिया था भूपट्टी पंचायत के मतदाताओं ने, तो एक मुखिया का क्या कर्तव्य होता है कि जो योजना धरातल पर उतारे और जनता तक पहुँचाए, कि उसके अलावा भी मुखिया का कुछ दायित्व है? जी एकदम सही पूछे हैं। देखिए सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ये एक मुखिया का कर्तव्य है कि आप सरकार के द्वारा जो लाभ है, जो लाभुक तक आपको पहुंचाना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम वह भी है। इसके अलावा जो आप समाज के बीच में आए हैं, सामाजिक कार्य करता है तभी आप मुखिया बने हैं, तो उसमें एक चीज़ और होता है कि योजना के अलावा अगर गांव समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी बात होता है तो लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ, लोग सबसे पहले मुखिया के पास आता है। जबकि हम देख रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले लोग सिर्फ मुखिया ही नहीं होता है, चुनाव बहुत सारे लोग लड़ते हैं, चुनाव मुखिया भी लड़ते हैं, सरपंच साहब भी लड़ते हैं, चुनाव वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, सब विधायक, MLA सभी को लोग वोट देते हैं। लेकिन गांव के स्तर की अगर बात करें, पंचायत स्तर की बात करें, तो अगर छोटा सा छोटा भी बात हो तो लोग सबसे पहले मुखिया जी के पास आते हैं
और मुखिया जी के पास आकर के अपनी समस्या को रखते हैं। समस्या वह चाहे पंचायत से जुड़ा हुआ हो या उसका निजी भी समस्या हो, यानी किसी भी प्रकार का समस्या होता है, लोग आपस में अगर थोड़ा बहुत अगर यानी कि बाप बेटे में भी अगर कुछ हो जाए तो लोग तुरंत मुखिया जी के पास पहुंचते हैं। तो हम लोग का यह भी कर्तव्य बनता है कि लोग अगर कहीं से आता है तो बहुत ही आशा और विश्वास के साथ मुखिया जी से मिलने आते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका जिस प्रकार का समस्या हो उस समस्या को निदान करने का भरसक प्रयास हम लोग करते रहे हैं और करते रहेंगे। पंचायत की योजना को जो आप जनता तक पहुंचाए हैं उसमें शॉर्ट में बताइए, जैसे प्रधानमंत्री आवास, वृद्धजन पेंशन, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचा पाए उस पर बताइए। जी एकदम पहुंचा पाए हैं। जब हम पंचायत में आए थे उस समय हमारे यहाँ का जो वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी जो चार प्रकार का पेंशन है, वो सभी पेंशन मिला करके कुल 650 पेंशन था। उसमें से भी कटते खुटते हुए देखे कि 600 पेंशन करीब बच रहा था। आज हमारे पंचायत में इस 5 वर्षों में जितना भी पेंशन है सभी पेंशन को अगर हम जोड़ देंगे तो 1500 से अधिक पेंशन जो हमारे पंचायत को मिला है। कुछ ऐसा भी पेंशन धारी सप्ताह जो पूर्व से ही उसका 60 वर्ष पूरा हुआ था लेकिन किसी न किसी कारणवश से, चाहे नाम गलती हो चाहे उसको किसी प्रकार का समस्या था या कोई करने वाला नहीं था, तो उस सारे पेंशन हम लोग करते आए। और जितना भी प्रकार का पेंशन है हमको नहीं लगता कि पेंशन से कोई वंचित है, जो पेंशन लायक व्यक्ति हैं लाभुक हैं वह पेंशन से किसी प्रकार से कोई वंचित नहीं है, सबको पेंशन मिल रहा है। रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग को जब हम लोग सरकार में आए 2016 में, उस समय में 2011 का जो सर्वे था उस सर्वे में से सरकार के द्वारा ही हम लोग को एक तो लिस्ट मिला था कि आप इसी लिस्ट में से आवास बांटना है, प्रधानमंत्री आवास योजना बांटना है। तो उसमें जितना भी नाम था उसमें भी कई बार जो पूर्व के जो लाभुक हैं उनको लाभ मिल चुका था आवास का, यानी किसी भी प्रकार का लाभ उसको अगर 10,000 रुपया भी मिल गया है पूर्व में अगर आवास के नाम पर, तो उनको आपको आवास नहीं देना है। तो कई बार जो प्रखंड में उसका रिकॉर्ड होता है आवास सहायक के पास जो रिकॉर्ड होता है उस सबको छांट काट करके जितना आवास प्रधानमंत्री आवास था वह 5 साल आते आते हम लोग पिछले चुनाव के होर से पहले ही बांट करके समाप्त कर दिए हैं। अब कुछ ही लाभुक बचा हुआ जिसका सेकंड किस्त बाकी है या किसी किसी का थर्ड किस्त बाकी है, बाकी आवास मिल चुका है सभी को। एक बार बीच में मौका मिला था हम लोग को सर्वे करने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको आवास नहीं दिए मुखिया जी या हमको अभी तक आवास नहीं मिला। एक बार हम लोग को मौका मिला था कि आवास में नाम जोड़ना है, 2018 का ही हम बात रखें तो 2018 ईस्वी में एक बार मौका मिला कि आवास में नाम आप जोड़िए। तो हम लोग दिन रात एक कर करके 5-5 आदमी मिल करके हम लोग अपने सहयोगी के साथ डोर टू डोर, जहाँ हमको लगा कि नहीं आवास इनको मिलना चाहिए, मैं सिर्फ उन्हीं के पास गया हूँ जिनको आवास की आवश्यकता और जितना हमारे पंचायत का कैपेसिटी था हमको उतना सर्वे करना है। तो लगभग लगभग जगह पर जाके हम लोग अपने स्तर से सभी का नाम जोड़ने का भी काम किया हूँ और उम्मीद है वह नाम जोड़ा भी गया है, वह नाम नेट पर है भी और उसको मिलेगा भी, चुनाव होने के बाद भी उस लोगों को इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ये हम देखे हैं और जोड़े हैं। हम पंचायत में गए हैं तो एक तालाब हमको मिला है, तालाब पर देखे हैं कि घाट का निर्माण हुआ है और उससे लोग ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, इस पर बताइए। जी ये हमारे मुखिया काल का सबसे अहम योजना है कि और सभी बहुत सारे योजनाएं हैं जो आपको सरकार अगर देती है पैसा तो आपको रोड का काम करना है, गली का काम करना है, नल जल का काम करना है, लेकिन कुछ ऐसा भी तरकीब लगाना होगा आपको। जो भी मुखिया है, हम मुखिया जी भी जिसे भी कहेंगे कि सब काम के लिए सरकार पैसा नहीं देती है, कुछ ऐसा तरकीब आपको लगाना, जैसे मनरेगा योजना है, हम काफ़ी समय पहले से छठ पूजा समिति का सदस्य सचिव अध्यक्ष रह चुके हैं, हमको एक ऐसा मौका मिला, एक समय ऐसा आया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हमको कहा कि मुखिया जी आप पहले से घाट के बारे में बात कर रहे थे, आप तो स्वयं मुखिया है, तो मुझे ऐसा मौका मिला और मैं देखते ही देखते 5 साल के अंदर 2-2 पोखरी में लगभग 650 से 700 फीट घाट का निर्माण किया और इससे मुझे खुद का संतुष्टि है। और जो हमारे व्रती छठी जो व्रती माता बहनें हैं उन लोगों ने काफ़ी सराहना किया, गांव के लोगों ने भी काफ़ी सराहना किया कि जो काम आज से पहले नहीं हो पाया मुखिया जी ने करके दिखाया, ये सहानुभूति भी है हमको और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो हमारे काल में घाट का निर्माण पूरा हो गया।
आप मुखिया चुनाव लड़ने से पहले शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए थे और ये जो आप मुखिया बने तो पंचायत में शिक्षा की स्थिति को आप कुछ सुदृढ़ कर पाए कि नहीं? जी, सबसे अच्छी क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले से शिक्षा के क्षेत्र में थे, सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए किसी कारणवश, लेकिन प्राइवेट के रूप में हम काफ़ी समय तक अपना समय गुजार दिए, 20 वर्षों का समय गुजार दिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब सबसे पहले हम आए तो जितने भी शिक्षक थे सभी स्कूल पर, मैं स्कूल में भी शिक्षा समिति का सदस्य रह चुका हूँ, दो दो स्कूल हमारे अगल बगल में है और पंचायत में भी दो तीन स्कूल है, कुल मिला के 6-7 स्कूल हैं, हमारे घर के रास्ते जो हैं पंचायत भवन के ठीक पीछे भी स्कूल सब है। तो हम काफ़ी मशक्कत किए जो स्कूल का सुदृढ़ व्यवस्था हो, और हम जाकर के स्कूल पर जब हम पहुंचते थे तो हम डायरेक्ट वे में सभी से बोलते थे कि हमको उससे नहीं मतलब है कि आप क्या करते हैं, हम खुद एक शिक्षक हैं, हम ये देखेंगे कि आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लोग मास्टर साहब सब भी जो थे कि मुखिया जी आप ही पढ़ा दीजिए ना, हम बोले नहीं, पढ़ाने का काम जो था शायद अब कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो चुका है, पढ़ाने का काम आप लोग का है। और लोगों ने, शिक्षकों ने भी काफ़ी सम्मान किया और अच्छा खासा सभी स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रहा था, और विद्यार्थियों का जो भी समस्या होता था, शिक्षकों का जो भी समस्या होता था उसको निपटारा करने का भी हम काम किए और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा था। किंतु इस बीच में दूसरे तीसरे साल से जो शिक्षा का ह्रास हुआ कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेकर के, उसमें नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, और ये सिर्फ व्यक्तिगत भूपट्टी पंचायत के लिए नहीं, राज्य से लेकर के देश तक का यह समस्या है कि इस बीच में शिक्षा का स्तर कुछ गिरा है, वो कोरोना महामारी के चक्कर में। अब सभी विद्यालय खुला है, फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो पिछले 3-4 साल से जो विद्यार्थी का ह्रास हुआ है वह किसी तरह मेंटेन हो और शिक्षक लोग भी अच्छा से पढ़ाए, ऐसा मेरा अपील भी है। एक अंतिम सवाल कि आपके रीजन में वैश्विक महामारी कोरोना से विदेश से लेके देश तक राज्य तक हम लोग सब परेशान रहे, इस परिस्थिति में क्या लगता है कि आपका जो पंचायत का योजना जो था उस पर कुछ विराम लगा? जी, हम कहेंगे कि विराम तो नहीं लगा, पूर्णतः विराम नहीं लगा, लेकिन कोरोना महामारी में भी हम लोग काफ़ी कार्यरत रहे, खासकर प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर, 3-3 क्वारंटीन सेंटर वीडियो से हमारे पंचायत में बना दिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल थे, बड़े बड़े फील्ड वाले स्कूल सब हैं, काफ़ी जगह है, तो कहा कि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए। परेशानी तो मुझे बहुत हुई, भले ही क्वारंटीन सेंटर प्रखंड का था लेकिन एक मुखिया होने के नाते इतना फ़ोन आता था, मैं कभी हेडफोन कान में आज तक नहीं लगाया, ना कोई मुझे देखा होगा कि मुखिया जी कभी कान में हेडफोन ला के चलते हैं। लेकिन उस समय में लोग जब बाहर से आना शुरू करते थे, वहाँ से लेके और जब तक क्वारंटीन सेंटर में आते थे उसको रखाते थे, और किसी भी प्रकार का समस्या अगर किसी भी क्वारंटीन सेंटर में हो गया बाद में, तो हम अपने स्तर से जो क्वारंटीन सेंटर नहीं था उन स्कूल को भी खाली करवा करके, मास्टर साहब से बात करके सभी को क्वारंटीन सेंटर में परिवर्तन कर दिए, और यथासंभव जितना भी सुविधा हो सका, आज भी याद होगा जो लोग क्वारंटीन सेंटर में भूपट्टी पंचायत के अलावा भी कुछ लोग यहाँ पर रहे, उन लोगों को भी याद होगा कि मैं दिन रात एक करके, मुझे ये डर नहीं होता था कि हम कोरोना सेंटर में जा रहे हैं कैसे घुसेंगे, कैसे बात करेंगे, जितना संभव हो सका सारा सुविधा, सारा किट, खाना पीना समय से सब कुछ मुहैया कराया। और इतना ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के साथ कभी मौका मिलता था तो इंटरटेनमेंट भी करते थे ताकि उन लोगों को बोर फील हौसला नहीं हो। इसके अलावा जब क्वारंटीन सेंटर के अलावा क्वारंटीन सेंटर टूटा तो जो मजदूर लोग थे, जो बाहर से भी कुछ लोग आए थे यहाँ गांव में, जो कुछ प्रश्न चिन्ह काम पर लग गया था, तो सरकार का निर्देश था कि क्वारंटीन सेंटर के बाद आपको पंचायत में मनरेगा के माध्यम से कुछ काम देना है, तो उसमें भी हम पीछे नहीं पड़े और लगातार हम प्रत्येक चोरी में नहर से लेकर के और बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुलिया निर्माण करके हम मजदूर को भी, अपने ही मजदूर को काम दिए, अपने पंचायत के मजदूर को लगातार काम करने का भी अवसर प्रदान किया। आप हमारे केयर न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या अपील कर रहे हैं? जी, हम इस लाइव के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमको आप लोगों ने चुन करके 5 साल का मौका दिए हैं, मैं 5 साल में क्या कुछ किया हूँ वह आपके सामने है, खुला किताब है, आपने हमको 5 साल जाना है, परखा है, तो निश्चित रूप से मैं एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी काम, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारा का सारा काम करके आ गया हूँ,
आज तक कोई भी व्यक्ति और कोई भी मुखिया सारा का सारा समस्या का निदान एक साथ नहीं कर सकता है। बहुत सारा काम हुआ है और उम्मीद करता हूं कि अगर मुझे फिर से मौका मिलता है, मैं फिर से चुनावी मैदान में हूं, अगर आप लोगों ने मुझे परखा है, मुझे जाना है, तो एक बार अगर सेवा का मौका हमें आप देते हैं तो जो बचा हुआ काम है, अपवाद स्वरूप जो काम है, जो कुछ काम के लिए लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि एक एक काम करूंगा और इस तरह भूपट्टी पंचायत को सजाऊंगा कि आने वाले इतिहास याद करेगा। वैसे भी जितना हुआ है अभी तक वह भी कम नहीं है, मैं दावे के साथ कहूंगा, लेकिन अगर मुझे आप मौका देते हैं तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूँगा कि जो बचा हुआ काम है उस पर मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा। आप चाहे 12 बजे रात में फ़ोन किए होंगे, आप सब आप स्वयं के गवाह हैं कि जब कभी हम मुखिया जी को फ़ोन किए हैं आज तक किसी का फ़ोन हम इग्नोर नहीं किए हैं, और अगर मौका नहीं मिला, कहीं गाड़ी पर है, तो हम बाद में उसको कॉल करके पूछते हैं कि आपका क्या समस्या है, और जो समस्या होता है भरसक निदान करने का प्रयास करता हूँ। जितना संभव हुआ है उतना मैं प्रयास भी किया हूँ और निदान भी किया हूँ। धन्यवाद मुखिया जी। आप थे बाबूबड़ी प्रखंड के भूपट्टी पंचायत के युवा तुर्क मुखिया लक्ष्मी पासवान। हम पहुँचे थे पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम को लेके बाबूबड़ी प्रखंड के भूपट्टी पंचायत। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए www.krnewslive.com को भी फॉलो कर सकते हैं।